हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ समर ग्लोई मेकअप फॉर ऑफिस गर्ल्स एंड कॉलेज गर्ल्स। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम अपने फेस को प्रेप कर लेंगे मेकअप के लिए। तो मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का हनी ग्लो टोनर और मैं अपने फेस को प्रेप कर लिया है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टोनर और उसके बाद हम यूज़ करेंगे लोटस का सनस्क्रीन। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। और SPF 20 है मेरे पास, ये बहुत अफोर्डेबल है, ये है 190 रुपीज़ का। मैंने ये वाला यूज़ किया है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेकअप स्टार्ट करने से पहले प्राइमर। तो मैंने प्राइमर के लिए यूज़ किया है नेल्स का प्राइमर और मैंने ये सब चीज़ अपने फेस पे अप्लाई कर ली है। मैंने ऑफ कैमरा यूज़ कर लिया है, अपने फेस को प्रेप कर लिया है। अब मैं सीधे मेकअप से स्टार्ट करूँगी जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और प्राइमर हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो हमारे फिल हो जाएं, जिससे कि मेकअप अंदर ना जाए और हमारे स्किन को डैमेज ना करे। तो इसलिए हम प्राइमर लगाएंगे जिससे कि हमारे फेस प्रेप हो जाए मेकअप से बचने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आईब्रोज फिल करने के लिए यूज़ किया है एंगुलर ब्रश का और इससे मैं अपने आईब्रोज फिल करूँगी। मैंने यूज़ किया है वेगा का आई ग्रूमर ब्रश और मैं इसकी हेल्प से जो एक्स्ट्रा पाउडर है हमारी आईब्रोज में वो मैं रिमूव कर लूँगी। सो इसके बाद मैंने वेगा के फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने अपने आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए मैंने उसके आसपास मैंने मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ किया है और मैं कोई कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ फाउंडेशन ही अप्लाई किया है। और आप उसके बाद मैं अपनी आई को सेट करने के लिए, फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। और उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की रीमास्टर्ड रोज़ गोल्ड पैलेट से और मैं आपको अपना शेड दिखाती हूँ। मैंने 2 शेड्स अप्लाई करे हैं अपने एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से और ये ब्रशेज़ मैंने अपने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे। मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड येस गाइस, आपको आई मेकअप अच्छा लग रहा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बिगनर्स के लिए भी जिनको आई मेकअप नहीं आता। सिर्फ एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैंने एक मतलब जो सिंपल एक कोट मैंने ड्रॉ किया है फ्लफ़ी ब्रश से और उसके बाद मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने मून डस्ट जो उसमें शेड था वो मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने अपनी आईलिड्स पे लगा लिया है। और एक मैंने पॉइंटर ब्रश लेके अपने आई कॉर्नर्स और ब्रो बोन पे मैंने हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है L18 का आईलाइनर जो कि वाटरप्रूफ है और बहुत अफोर्डेबल भी है। और मैंने वेगा के ब्रश की हेल्प से मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया है और छोटा सा विंग भी ड्रॉ किया है मैंने। आई होप आपको अच्छा लगेगा। एंड देन उसके बाद मैंने यूज़ किया है मेबलिन का क्लासिकल मस्कारा और ये वाटरप्रूफ है और मैंने एक कोट नहीं लगाया है, ऑफ़ कैमरा मैंने 2 कोट्स लगाए थे। जब एक कोट आपका ड्राई हो जाए उसके बाद ही सेकंड कोट लगाएं वरना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगेगा। एंड देन उसके बाद मैंने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई कर लिया है। एंड देन आई मेकअप मेरा हो चुका है तो अब हम आते हैं फेस पे। तो फेस के लिए मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन और मेरा शेड है 115 आइवरी। और आई नो अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लाइट लग रहा है फाउंडेशन, बट ये थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद ये अच्छा लगता है और ये सेट हो जाता है और ये लाइट नहीं लगेगा। अभी आप मेरा पूरा मेकअप आपने देखा ही था। और इसके बाद मैं ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है समर्स के लिए क्योंकि ये वाटरप्रूफ है
और स्वेट आएगा तो ये एकदम से आपका फाउंडेशन बहेगा नहीं। एंड एक तो ये है मैट वाला फाउंडेशन, तो आपको ऑयली स्किन है, वैसे मेरा ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाला फाउंडेशन है, तो जो अगर आपका ऑयली स्किन है तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्वेट आएगा तो आपका ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल मैट फॉर्म में लगेगा, बिल्कुल आपका फाउंडेशन बिल्कुल सेट रहेगा। और उसके बाद मैंने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है ब्यूटी ब्लेंडर, और ब्यूटी ब्लेंडर से जब भी आप फाउंडेशन को सेट करें तो डैप डैप करके करें, जैसे आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ, डैप डैप करके ही करना है। एंड देन इसके बाद मैंने यूज़ किया है एक फ्लैट ब्रश, और मैं कोई कंसीलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जो मेरा फाउंडेशन है इसी को मैं कंसीलर की तरह अप्लाई कर लूँगी। पहले मैंने फाउंडेशन पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, अब जहाँ जहाँ पे हम कंसीलर लगाते हैं जो कि हमारे डार्क सर्कल्स वाली जगह होती है या हमारे हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ हम कंसीलर लगाते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने यही फाउंडेशन अप्लाई किया है। सो मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने अंडर आइज़ और अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स जो होते हैं जैसे फोरहेड, नोज़ और हमारे अपर लिप्स और चिन एरिया, वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यूज़ करी है लिप क्रियॉन, NYBAE लिप क्रियॉन, और जो कि मेरा शेड है 05। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और बहुत अफोर्डेबल है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थी ये, एक ही बार में लग गई। और उसके बाद मैंने एक लिपस्टिक और इसमें अप्लाई करी है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, तो मैंने इसलिए ना कोई मैंने ऑनलाइन अब परचेज़ करी हो तो मैं इसका लिंक भी नहीं दे सकती। सो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी और ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करी, और उसके बाद मैंने ग्लॉस, इसी में ही जो ग्लॉस था तो वो मैंने अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद मैंने सिवाना कलर्स 02 पैलेट यूज़ करी है। इसमें ही आपके पास हाइलाइटर और ब्रॉन्ज़र और ब्लशर मिल जाएगा आपको, और ये बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल पैलेट है, आप बिगनर्स हैं तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसने हाइलाइट किया है। हम कर रहे हैं ग्लोई मेकअप, तो ग्लोई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है हाइलाइटर का। ट्रस्ट मी गाइस, हाइलाइटर एक ऐसा मेकअप में एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि पूरे मेकअप में चार चांद लगा देता है, और हाइलाइटर आप ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे, सच में आपका मेकअप इतना ज़्यादा ग्लोई लगेगा हाइलाइटर के यूज़ करने से, सच में। और उसके बाद मैं अपने फेस पे कॉन्टोरिंग कर लूँगी जिससे कि फेस पतला लगे और शार्प लगे, और उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से ब्लशर अप्लाई किया है, और मैंने उसमें से 2 पिंक शेड्स लिए हैं, और वो मैंने मिक्स करके अप्लाई किया, और अप्लाई करने से पहले हम डैब डैब करके एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव कर लें। सो आपको मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो करें, और अगर आपने मेरा मेकअप लुक अगर आप भी क्रिएट कर रहे हैं देख के तो मुझे अपनी पिक्स शेयर करें इंस्टाग्राम पे, और मैं आपकी पिक लगाऊंगी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे। सो मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट हो चुका है, और मैंने साथ में इयररिंग्स पहन लिए हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...